डाल्टन के आणविक सिद्धांत के अनुसार यौगिकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों के आपस में मेल से होता है। किसी भी यौगिक का वस्तुमान उस यौगिक के मौजूद समस्त मूल पदार्थों के वस्तुमान के कुल जोड़ के बराबर होता है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ की संरचना पूर्ण रूप से बदल जाती है और संपूर्ण रूप से नए यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार दो यौगिकों में बंध का निर्माण होता है या फिर उनमें जो बंध होता है वो टूट जाता है। इनकी रासायनिक विशेषताएं मूल पदार्थ से भिन्न होती है। इस प्रयोग द्वारा हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अभिकारकों की और उत्पाद की घनता के साथ क्या होता है। इसे करते समय हमें एक ही बात का ख्याल रखना होगा कि अभिक्रिया अर्थात रासायनिक प्रक्रिया बंद कंटेनर अर्थात डब्बे नुमा बर्तन में हो, ताकि अगर उत्पाद गैसीय हो तो वह बाहर न जा पाए। इस प्रयोग के लिए हम शंकु के आकार का फ्लास्क, परख नली, रबर का कॉर्क अर्थात ढक्कन और तराजू का प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग के लिए हमें कैल्शियम क्लोराइड अर्थात CaCl2 और सोडियम सल्फेट अर्थात Na2SO4 के विलयन आसान सी भाषा में घोल की भी आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम कैल्शियम क्लोराइड अर्थात CaCl2 का विलयन शंकु आकार के फ्लास्क में लेंगे। इसके बाद सोडियम सल्फेट अर्थात Na2SO4 को हम परख नली में लेंगे। इसके बाद हम परख नली को एक रस्सी से बांधेंगे और उसे शंकु आकार के फ्लास्क में छोड़ देंगे। अब हम रबर कॉर्क को शंकु आकार के फ्लास्क पर कसकर लगाएंगे। हम इन वस्तुओं को एक साथ तराजू पर रखकर इनका वजन करेंगे। बाद में हम फ्लास्क को थोड़ा टेढ़ा करेंगे ताकि परख नली और फ्लास्क में रखे विलयन एक दूसरे में मिल जाएं। इसके बाद उसी स्थिति में एक बार फिर से हम इन वस्तुओं को वजन कांटे पर रखकर उसका वजन करेंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे और नीचे दी गई निरीक्षण तालिका में हम अपने निरीक्षणों को लिखेंगे। इसके बाद हम इन वजनों की तुलना करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। प्रयोग से पूर्व और प्रयोग के बाद की वस्तुओं का कुल वस्तुमान समान है या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नजर आता है? क्या यह हर प्रकार के अभिक्रियाओं में समान ही रहेगा या नहीं? यदि वायु रूप पदार्थ तैयार हुआ और हमने ढक्कन खोल दिया, तब हमारे निरीक्षणों में किस प्रकार का बदलाव आ सकता है?